दुबई में अरबों डॉलर मालियत की प्रॉपर्टी लीक्स में लिबनानी जंगजू तंजीब हिज़्बुल्लाह इस्लामी पासदारान इनकलाब और यमन के होसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद की मलकियतों का भी इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉपर्टी लीक्स में रियल स्टेट डेवलपर और हिज़्बुल्लाह के मुबैना रुकन उदम तबजा का नाम भी शामिल है, जबकि हिज़्बुल्लाह के मालियाती बैनुल अक़वामी नेटवर्क के मुबैना रुकन कदर के अली अलबनाई का नाम भी प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिज़्बुल्लाह की माली मुआवनत के इल्जाम में अमरीकी पाबंदियों का निशाना बनने वाले अली ओसेरान इस्लामी पासदारान इनकलाब से ताल्लुक रखने वाले आर्स हबीब अली जहीर मेहती और मोहसिन पारसा जाम के नाम भी दुबई में प्रॉपर्टी रखने वालों की फहरिस्त में शामिल हैं। प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल हिज़्बुल्लाह और इस्लामी पासदारान इनकलाब के लोग अमरीकी पाबंदियों की जद में आ रहे हैं, जबकि प्रॉपर्टी लीक्स में शामिल यमनी होसियों से ताल्लुक रखने वाले अफराद भी अमरीकी पाबंदियों के शिकार अफराद में शामिल रहे। वाज़ह रहे कि दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादों का इंकशाफ हुआ है, जिसमें पाकिस्तानियों की भी 11 अरब डॉलर की जायदादें शामिल हैं। दुबई इनलॉक नामी ये प्रोजेक्ट ज्यादातर 2020 और 2022 के दरमियान के ऐसे आदादोशुमार पर अपनी है जो दुबई में लाखों जायदादों का तफसीली जायजा और उनकी मलकियत या इस्तेमाल के बारे में मालूमात फराहम करता है। इसमें मुतादिद सजायाफ्ता मुजरिमों मफरूर मुलजिमान और सियासी शख्सियात को बेनकाब किया गया है जिन्होंने हाल ही में दुबई में कम से कम एक जायदाद की मलकियत हासिल की है। इस रिपोर्ट में वो जायदादें शामिल नहीं जो कंपनियों के नाम पर खरीदी गयी और कमर्शियल इलाकों में मौजूद हैं।